हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंश कक्कड़ और आज है हमारा वैष्णो देवी में दूसरा दिन कह सकते हो, क्योंकि एक तो कल था, आपने देखा ही, चढ़ाई हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया। तो इस व्लॉग में हम रखेंगे थोड़ा सा चढ़ाई, दर्शन, भवन एंड ऑल। तो ये है नया ताराकोटे वाला रास्ता, विच इज़ बिट मोर लेंदी। ये 15 किलोमीटर्स का है बट थोड़ा स्टीप कम है और यहाँ पर वो हॉर्सेस वगैरह भी चढ़ते, तो इट इज़ काफ़ी क्लीन है, तो वो तो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी आप आ सकते हो यहाँ से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट आई गेस। और एक इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया है, मैं आपको भी बताता हूँ, पहले ट्रैक्टर निकल जाए मेरे पीछे से एक बार। हाँ, तो मैं जो गाइस आपको चेंज की बात बता रहा था, नॉर्मली क्या होता था, एक यात्रा पर्ची बनवानी पड़ती थी टू स्टार्ट द यात्रा, जो आप अपने पास रख सकते हो। बट थोड़े पीछे क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले, कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी लास्ट ईयर भवन पे, इस वजह से थोड़ी डेथ्स भी हुई। तो अब इन लोगों ने क्या सिस्टम किया, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खो जाते कभी कभार, तो इन्होंने क्या सिस्टम किया है, उन्हें एक कार्ड सा बनवा दिया है। हाउ वॉट इज़ हेल्पफुल नाउ, कि ये RFID कार्ड है, इसमें आपकी डिटेल्स फीड इन हो जाती हैं, और अगर आप कहीं भी खो जाते हो तो आपके बाकी फैमिली मेम्बर जो होंगे वो आपको इस कार्ड की लोकेशन के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं, और ये आप हर जगह से बनवा सकते हो। बीट निहारी का भवन, बीट द स्टार्टिंग, कोई भी चढ़ाई की स्टार्टिंग में भी बन रहा है, जैसे हमारा ताराकोटे माँ की स्टार्टिंग में बन गया था। हाँ, तो ये है, विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग। और ये कार्ड आपको घर नहीं लेके जाना है, प्लीज़ हर जगह पे चढ़ाई ख़त्म करते हुए ड्रॉप बॉक्सेस हैं, वहाँ पे इसको ड्रॉप करिए। ये फ्री कार्ड है, इसके लिए कोई पैसे नहीं है, बट प्लीज़ घर मत लेके जाना, बिकॉज इनको क्यों लॉस करवाना यार, ये अच्छा इनिशिएटिव है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो चलते हैं इस रास्ते की बेस्ट चीज़ एक और, भजन चलते रहते हैं पूरे टाइम, सुनते रहो, इंजॉय करते रहो। चलो लेट्स गो। ओके, तो गाइस हम पहुंच गए हैं कुछ दूर, तो और वो देखो, वो जो ऊपर आपको वहाँ पहाड़ी दिख रही है ना, वो वाली मेरे हाथ पे जो है, वहाँ जाना है हमको। ओके, तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट लंगर के बाहर हैं। यहाँ पर एक पार्क है, लास्ट टाइम भी दिखाया था, बट लास्ट टाइम वो बहुत छोटा था, बहुत प्यारा बना दिया उन लोगों को, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, और यहाँ पर बिल्कुल प्यारी सीटिंग सी बना रखी है, और यहाँ पर भी मतलब काफ़ी अच्छा मेंटेन कर दिया। और ये रहा सामने हमारा लंगर पॉइंट, विच वाज 1 पॉइंट, जो बेसिकली हम 3 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और हमको चलते हुए हम लोग 3 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और चलते हुए हमको हो चुका है एग्जैक्टली 50 मिनट्स। तो 50 मिनट 3 किलोमीटर, अभी थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा स्लो चल रहे थे सब, तो सबके आगे पीछे चल रहा था। ऑल्सो वन इन्फॉर्मेशन, लास्ट जो लेग सेशन किया था 2022 वाला, उसमें मेरा राइट लेग का टेंडन टूटा था, फट गया था मतलब, तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रही है, बट लेट्स सी, आई होप प्रॉब्लम नहीं देगा वो। चलो, सामने व्यू बहुत अच्छा है, अभी कैप्चर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:15 एग्जैक्टली, 1 hour 30 minutes हमको हो चुके हैं निकले हुए नीचे से, और हम लोग कवर कर चुका हूँ 5x700। सो 5x700 का बेसिक मीनिंग 5 kilometers 700 meters कवर हो चुके हैं, और अराउंड 1.3 kilometers पे हाफ पॉइंट अर्थ क्वारी आ जाएगा। सो अभी तक कोई ब्रेक लिया नहीं है मैंने एज सच, तो देखते हैं अर्थ क्वारी पे थोड़ी देर सबका वेट करेंगे, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो आगे निकलेंगे। चलो लेट्स लीव, फटाफट चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपको सीधा अर्ध क्वारी पे। अब गाइस टाइम हो रहा है 2:33 और हम अर्ध क्वारी पहुँच चुके हैं, मतलब 1 hour 45 minutes बना, 45 मिनट्स में अर्ध क्वारी को टच कर लिया है। हाँ, अब 15-20 मिनट का रेस्ट लेंगे यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ से शायद कुछ लोग केबल कार से भी अब ऊपर जा रहे होंगे। तो अभी कॉल करता हूँ सबसे और पूछता हूँ कि कौन कहाँ पर है, कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। बढ़िया बढ़िया था, इन्जॉय। जस्ट देन गाइस आधे घंटे बाद हमको पहले लोग दिखे हैं, देखो कितने खुश हैं मेरे पास। ये हाथ में स्प्राइट कैसे है, हाथ में स्प्राइट कैसे है? अभी टाइम हो रहा है 4:50 और अभी तक आइडली 4 घंटे हो चुके हैं, तो मुझे भवन पे होना चाहिए था पर अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं अभी भवन से 3 किलोमीटर दूर हूँ। जैसे कि आपने क्लिप देखी, दो चीज़ें, एक तो मैं जब 2:30 वहाँ पहुँचा था अर्धकुंवारी, वहाँ से 3:30 तक मैं वहीं पे वेट करता रहा लोगों का, कुछ वो इलेक्ट्रिक कार की चीज़ करनी थी सेटिंग उसके लिए, तो 3:30 तक मैं वहाँ से निकला। फिर 4 बजे यहाँ पे हीम कोठी डोसा पॉइंट जो है वहाँ पे खाना खाने के लिए रुके, जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ। सो अब ऑप्शन नहीं है, बट आई थिंक 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 45 मिनट्स में हम लोग कवर कर लेंगे। लेट्स सी गाइस, ये देखो भवन का फर्स्ट व्यू जहाँ मैं हूँ वहाँ से। सो गाइस 5:15 का टाइम है और हम लोग भवन पहुँच गए हैं और फिलहाल हम लोग चढ़ रहे हैं टूवर्ड्स द रूम। क्या रूम है क्या? हाँ आगे। तो हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं जो कि है वैष्णवी भवन में। चलो रूम में पहुँच के आपसे बात करता हूँ। हाँ 4-5 घंटे लगे। ओके सो गाइस अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 9:00, हम लोग रूम में पहुंच गए थे अराउंड 6:00, फिर सब लोगों ने रेस्ट किया है 1-2 घंटे और अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल पैक्ड हो रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है, अराउंड अभी 1 डिग्री या शायद 0 डिग्री है। मैं अभी अपने रूम के साथ कनेक्टेड बैल्कनी में खड़ा हूँ और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है क्योंकि डायरेक्ट भवन का व्यू आता है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस क्लियर भवन का व्यू यहाँ से विजिबल आता है, तो बहुत ही बढ़िया व्यू। और ये वो बैल्कनी है जिसकी मैं बता रहा था आपको, रूम टूर देता हूँ थोड़ी देर बाद। और शायद अभी हम फ़ोन नहीं लेके जाएंगे क्योंकि दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद डिनर करके ही डायरेक्ट आएंगे। तो देखता हूँ अगर फ़ोन लेके जा पाए तो मैं आपको कुछ कुछ और स्निपर दे दूँगा, नहीं लेके जा पाए तो फिर आपको मिलता हूँ मैं डायरेक्ट दर्शन के बाद। 3 hours later ओके सो गाइस जहाँ से लास्ट क्लिप एंड करी थी वहीं से ये वाली क्लिप स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम हो गया रात के 12 और हम लोग दर्शन करके वापस आ चुके हैं। फ़ोन नहीं लेके जा पाया था इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाया, लेकिन गाइस इस बार के दर्शन अभी तक के सबसे प्यारे दर्शन हुए क्योंकि इस बार हमको बहुत अच्छे से साइड से एस्कॉर्ट हो गया लेके, हम लोग आगे जाके दर्शन कर लिए, फिर गुफा के अंदर भी काफ़ी देर खड़े रहे। सो एक तरीके से काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। तो हाँ यार, और आज का माहौल भी बहुत अच्छा था, लग रहा था कि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी बट ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। तो अभी तो सोने का टाइम है, सोएंगे, कल वापस नीचे जाएंगे, उससे पहले भैरव घाटी भी जाएंगे, तो ये वो सब आपको देखने को मिलेगा कल के ब्लॉग में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।